दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग एक ब्रिटिश प्लेराइट एलिजाबेथन एज की बहुत ही फेमस प्लेराइट की लाइफ को डिस्कस करेंगे, क्रिस्टोफर मार्लो। दोस्तों क्रिस्टोफर मार्लो और विलियम शेक्सपियर दोनों कंटेम्प्रेरी थे और ये क्रिस्टोफर मार्लो उन कुछ प्लेराइट्स में से एक थे जिन्होंने ब्लैंक वर्ड्स में प्लेज को लिखना शुरू किया था। विलियम शेक्सपियर को इन्होंने बहुत इन्फ्लुएंस किया था दोस्तों, लेकिन इनकी बर्थ डेट का पता नहीं। माना जाता है शेक्सपियर से कुछ महीने बड़े थे और आज हम इनकी लाइफ को ढंग से डिस्कस करेंगे। इनको डिस्कस करना ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि ये यूनिवर्सिटी वर्ड्स में भी शामिल थे और जितने भी प्लेज इन्होंने लिखे सब पॉपुलर थे, मतलब सब हिट थे। और पहला ही प्ले इन्होंने जब लिखा, जब फर्स्ट टाइम रेगुलर स्टेज पर परफॉर्म करवाया, तो वो भी बहुत ही सक्सेसफुल प्ले था दोस्तों। और जितने भी प्ले इन्होंने लिखे सब सक्सेसफुल थे। सबके नाम बताऊंगा और इनकी लाइफ के बारे में थोड़ा कुछ बताऊंगा, क्योंकि दोस्तों इनकी लाइफ के बारे में जो कुछ भी इन्फॉर्मेशन मिलती है वो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स से मिलती है, क्योंकि इनके कंटेम्प्रेरी जो प्लेराइट्स थे उनको इनकी लाइफ के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों ये एलिजाबेथन एज के एक बहुत बड़े प्लेराइट थे जिनका दूसरा नाम है कैट मार्लो। ये एक प्लेराइट होने के साथ साथ कुछ वर्क्स को ट्रांसलेट भी करते थे और पोएट्री भी लिखा करते थे, मतलब इनकी कुछ पोएट्री भी है। लेकिन सबसे पहले ये एक प्लेराइट थे और इन्होंने सिर्फ ट्रेजेडीज़ लिखी है, कॉमेडीज़ ये लिखते नहीं थे, सिर्फ ट्रेजेडीज़ लिखते थे। विलियम शेक्सपियर ने इनसे बहुत कुछ सीखा है। शेक्सपियर के कुछ महीने पहले ये पैदा हुए थे, शेक्सपियर इनसे कुछ महीने छोटे थे। बहुत ही मिस्टीरियसली कम एज में इनकी डेथ हो गई, वरना ये भी शेक्सपियर के लेवल तक लिख सकते थे और कहा जाता है कि उनसे बड़े प्लेराइट भी बन सकते थे। दोस्तों ये उन कुछ प्लेराइट्स में से थे, शुरुआती प्लेराइट्स में से थे, जिन्होंने अपने प्लेज को ब्लैंक वर्ड्स में लिखा। ब्लैंक वर्ड्स में उस वक्त लिखना नई बात थी, प्लेज को ब्लैंक वर्ड्स में लिखना बहुत नई बात थी। मार्लो का जन्म होता है कैंटरबरी में एक शू मेकर के घर में, जिनका नाम था जॉन मार्लो। इनके फादर का नाम था जॉन मार्लो, मदर का नाम था कैथरीन। इनकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ कन्फर्म नहीं पता, लेकिन 1564 में इनका जन्म हुआ था ये पता है। एजुकेशन होती है किंग्स स्कूल में और कॉर्पस क्रिस्टी कॉलेज में एजुकेशन होती है इनकी, कैम्ब्रिज में। इन्होंने वहाँ पर अपनी पढ़ाई की थी स्कॉलरशिप पर और उसके बाद में 1584 में बीए की डिग्री ली। लेकिन 1587 में एमए की डिग्री लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि ये अफवाह फैल रही थी कि रोमन कैथोलिक प्रीस्ट बनने जा रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था ऐसी प्रॉब्लम जॉन डन को भी डिग्री लेने में आई थी, तो इस टाइप की कोई प्रॉब्लम आई तो इनको डिग्री प्रिवी काउंसिल के थ्रू मिली, कि इनसे ये तय करवाया गया उस वक्त कि ये मोनार्क, यानी कि उस वक्त क्वीन एलिजाबेथ जो थी उस वक्त मोनार्क, तो उनके लिए फेथफुल रहेंगे। लेकिन फिर ये भी थ्योरी है इंग्लिश लिटरेचर में कि मार्लो कोई सीक्रेट एजेंट बनकर काम कर रहे थे सर फ्रांसिस वाल्सिंगहम के लिए, लेकिन इस बात का कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। तो कुछ भी जानकारी मिलती है ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के जरिए मिलती है। अब इन्होंने ड्रामा में सबसे पहला अपना काम किया था दोस्तों, डायडो क्वीन ऑफ कार्थेज नाम की एक ड्रामा में, जो कि इन्होंने जब ये कैम्ब्रिज में स्टूडेंट थे तब लिखा होगा ऐसा माना जाता है। ये पहला ड्रामा था जो उन्होंने थॉमस नैश के साथ में मिलकर लिखा था। 1594 में फर्स्ट टाइम इसको पब्लिश करवाया गया, कोलैबोरेशन में लिखा था, ये मैच्योर वर्क नहीं माना जाता। तो इस प्ले को परफॉर्म किया था चिल्ड्रन ऑफ द चैपल ने फर्स्ट टाइम, लेकिन ये इतना बड़ा वर्क नहीं माना जाता मार्लो के करियर का, क्योंकि इसको रेगुलरली किसी स्टेज पर परफॉर्म नहीं करवाया गया था। फिर इसके बाद इनका अगला प्ले आता है, एक रेगुलर प्ले 1587 में इसको परफॉर्म करवाया गया था, जिसका नाम है टैम्बरलिन द ग्रेट। ये जो प्ले था एलिजाबेथन एज में उन कुछ प्लेज में से एक था जिसे ब्लैंक वर्ड्स में, शुरुआती प्लेज में से एक था जिसे ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया था। दोस्तों ये परफॉर्म होते ही सक्सेसफुल हो गया। दोस्तों थॉमस काइड ने जब स्पेनिश ट्रेजेडी को इंट्रोड्यूस किया था एलिजाबेथन एज में, तब से माना जाता है कि एलिजाबेथन एज में मैच्योर प्लेज लिखने की शुरुआत हुई थी। तो ये टैम्बरलिन द ग्रेट जो प्ले परफॉर्म हुआ था, ये परफॉर्म होते ही सक्सेसफुल हो गया, पहला ही प्ले मार्लो का सक्सेस हो गया। तो इसकी सक्सेस के बाद में मार्लो ने इसका पार्ट टू भी लिखा। ये प्ले दो पार्ट्स में है दोस्तों, इसके बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। ये प्ले दो पार्ट्स में, पहला दो, और दूसरा 1590 में इसको पब्लिश करवाया गया था। अब पब्लिश करवाने की डेट इंपॉर्टेंट इसलिए है दोस्तों, ये पहला प्ले था, एक ही प्ले है ये मार्लो की लाइफ का जो उनके जीते जी पब्लिश हुआ, जो उन्होंने अपने जीते जी पब्लिश होते देख लिया। इनके बाकी के वर्क्स इनकी डेथ के बाद में पब्लिश हुए थे, टैम्बरलिन द ग्रेट इनके जीते जी पब्लिश हो गया था। ऐसे बहुत कम वर्क्स हैं इनके। फिर आता है दोस्तों इनका प्ले जियो ऑफ माल्टा, जिसे
1589 से 1590 के बीच में लिखा गया होगा और 1592 में इसको परफॉर्म करवाया गया था और ये भी सक्सेसफुल हो गया दोस्तों। इसके बाद आता है एडवर्ड सेकंड। एडवर्ड दी सेकंड जो प्ले था ये हिस्ट्री पर लिखा गया था प्ले, और ये किंग एडवर्ड सेकंड की कहानी थी, इंग्लैंड की हिस्ट्री पर बेस्ड था ये। और दोस्तों ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ये प्ले पूरी एलिजाबेथन एज में सबसे बेस्ट हिस्ट्री प्ले मैं इसको मानता हूँ, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। फिर इन्होंने एक वर्क लिखा था अपना द मैसेकर एट पेरिस, मोस्ट डेंजरस वर्क माना जाता है दोस्तों इनका ये। फिर आता है दोस्तों डॉक्टर फॉस्टर्स। डॉक्टर फॉस्टर्स किसी जर्मन ऑथर ने कोई वर्क लिखा था, नाम पता नहीं उन ऑथर का, हिस्टोरिया वॉन डी हॉर्न फॉस्टन चैप बुक। ये जो वर्क था इस पर बेस्ड है दोस्तों डॉक्टर फॉस्टर्स। उस टाइम पर इस वर्क को पी एफ जेंट ने 1592 में ट्रांसलेट किया, तो इसको सोर्स बनाकर मार्लो ने अपना प्ले लिखा डॉक्टर फॉस्टर्स। और दोस्तों ये प्ले भी सक्सेसफुल रहा, मार्लो के जितने भी प्ले अभी परफॉर्म किए गए सब सक्सेसफुल रहे। इसके अलावा एक पोएम लिखी थी दोस्तों इन्होंने, हीरो एंड लियंडर, इन्होंने लिखी थी लेकिन इसको कंप्लीट नहीं की। जॉर्ज चैपमैन जो थे उन्होंने इसको कंप्लीट किया था इस पोएम को। और इसके अलावा एक लिरिक द पैशनेट शेपर्ड टू हिज लव, और ये कहा जाता है कि विलियम शेक्सपियर के साथ भी इन्होंने कोलैबोरेशन में काम किया है हिस्ट्री प्लेज के अंदर। अब इनके बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती है दोस्तों लीगल रिपोर्ट्स और ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स में मिलती है, क्योंकि इनके साथ के जो प्लेराइट्स थे वो इनके बारे में इतना जानते नहीं थे। इनके लिए कहा जाता है कि ये एक जासूस थे, एक स्पाय थे, और ये सब चीज़ें मार्लो मिथ कहलाती है। अब मई 1593 में कुछ बिल पोस्ट होते हैं कि कुछ प्रोटेस्टेंट रेफ्यूजी फ्रांस और नीदरलैंड से लंदन में सेटल हुए हैं। 11 मई को प्राइवी काउंसिल ने कुछ डच चर्च लाइबल्स को, उनके लिए मतलब जो भी रेस्पॉन्सिबल थे उनको अरेस्ट करना था। अगले दिन मार्लो के कलीग थॉमस काइड को अरेस्ट कर लिया गया और उनके घर की छानबीन हुई तो कुछ पेजेस मिले। तो काइड ने लेटर लिखा जॉन पकरिंग को और कहा ये पेजेस मार्लो के हैं, और कहा कि मार्लो एक ब्लास्फेमस हैं, एक ब्लास्फेमस हैं मार्लो। 18th ऑफ मई को मार्लो को एक अरेस्ट वारंट इश्यू हुआ और काउंसिल अच्छे से जानती थी कि अभी मार्लो कहाँ होंगे, थॉमस वॉल्सिंगहैम के पास में। और 20 मई को मार्लो को प्रेजेंट किया गया। अब पता नहीं, वहाँ कुछ था नहीं, अब रोज अटेंडेंस देनी थी मार्लो को जब तक कि उनको लाइसेंस मिल नहीं जाता। अब वेनसडे के दिन 30 मई को मार्लो की हत्या हो गई। अब ये कन्फर्म नहीं है कि कैसे की गई, सब अंदाजे लगाते हैं। कहा जाता है कि सर वाल्टर रॉली ने मार्लो को मरवाया ताकि मार्लो उनको फंसा ना दे। कुछ कहते हैं कि ये एक्सीडेंटली मर गए। तो कईयों का मानना है कि क्वीन एलिजाबेथ ने खुद इनका असैसिनेशन करवाया इनके एथिस्ट वाले बिहेवियर को लेकर। और एक और चीज़ मानी जाती है जो कि थोड़ी सी स्ट्रेंज है कि मार्लो ने मरने का झूठा नाटक किया ताकि वो ट्रायल से, अपने ट्रायल से बच जाएं और अपना नाम विलियम शेक्सपियर बदल कर प्ले लिखने लगे। कईयों का ये मानना है कि क्रिस्टोफर मार्लो होमोसेक्सुअल थे और उस वक्त एलिजाबेथन एज में ये होमोसेक्सुअलिटी को लेकर के खुलकर बात नहीं की जाती थी। अब इस बात का भी कोई खास एविडेंस है नहीं, लेकिन इन्होंने अपने वर्क्स में कुछ होमोसेक्सुअलिटी की बातें जरूर की है, जैसे एडवर्ड दी सेकंड और हीरो एंड लियंडर, इनमें ज़रूर दिखाई है। एडवर्ड दी सेकंड जैसे प्ले को उस वक्त लिखना दोस्तों बहुत बड़ी बात थी, मतलब होमोसेक्सुअलिटी के बारे में ऐसे बात करना। दोस्तों मार्लो के प्लेज लिखने के तरीके को देखकर इनके कंटेम्प्रेरीज और पूरे लिटरेरी वर्ल्ड में इनकी तारीफ की जाती है, इनको एक इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट बोलकर। जॉर्ज पील ने इनके लिए लिखा है मेरली द म्यूजिस डार्लिंग, बेन जॉनसन ने मार्लोज माइटी लाइन बोलकर, थॉमस नैश ने पुअर डिसीज्ड किट मार्लो ऐसा लिखा है, और सबसे बड़ा ट्रिब्यूट तो दिया है विलियम शेक्सपियर ने अपने प्ले एज यू लाइक इट में मार्लो की जो पोएम है हीरो एंड लियंडर उसकी कुछ लाइनें डालकर। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। आज की वीडियो में बस इतना ही।